नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे मस्ट हैव क्लोथिंग्स हैं जो डार्क स्किन या फिर डस्की स्किन टोन के वुमेन्स के पास में होनी चाहिए। बट इसके पहले मैं दो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव पे बात करना चाहूंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो फेयर स्किन टोन वाले होते हैं वो सब कुछ पहन सकते हैं एंड जो डार्क स्किन टोन वाले होते हैं वो कुछ भी नहीं पहन सकते। बट बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम सांवले हैं या हम काले हैं, हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने कलर को लेके, हमारे पे क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा। तो इस इतने सारी जो रिक्वेस्ट है उसको माइंड में रखते हुए सबसे पहले मैं ये वीडियो लाई हूँ। एंड दूसरा, हम सब जानते हैं कि हर एक कलर ब्यूटीफुल होता है, बट क्या होता है ना, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फेयर स्किन को ही सबसे सुंदर माना जाता है कि जो गोरे हैं वही अच्छे दिखते हैं, जो गोरे नहीं हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं। बट अगर हम किसी को बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल, यस, तो वो आप समझो कि एक, अगर आप बटरफ्लाई को आपने एक डब्बे में बंद करके रख दिया है एंड 13 साल बाद आप उस डब्बे को खोलोगे तो उस बटरफ्लाई को उड़ने में वक्त लगेगा क्योंकि वो उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल चुका। तो इसी तरह किसी के माइंड में बचपन से ये डाला गया है कि तुम्हारा रंग सांवला है, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहे लाख कोशिश कर लें उनको समझाने की, बट उनके दिमाग को ये ऑब्जॉर्व करने में ना टाइम लगेगा। कहते हैं ना, दिमाग स्पंज की तरह होता है, वो चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता है। अच्छी आदतें भी हमारे अंदर धीरे धीरे आती है एंड बुरी आदतें भी धीरे धीरे जाती है। कोई आपके अराउंड ऐसा है तो आप हमेशा उसको कॉन्फिडेंट फील करवाएं, बट वो एक लॉन्ग टाइम से ये सारी चीज़ों को फेस करते आया तो उसको थोड़ा समय लगेगा इससे निकलने में। आई होप ये छोटा सा मोटिवेशन या ये छोटा सा जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया या आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस टॉपिक के एक डिफरेंट नज़रिए से देखने के लिए। सो चलिए जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो डस्की स्किन टोन के हैं या फिर जो डार्क स्किन टोन के हैं उनको हमेशा ऐसे कलर को चूज़ करना चाहिए जो इसको उनके स्किन से बहुत ज़्यादा सिमिलर ना है, मतलब उनके स्किन को और भी ज़्यादा डार्क ना दिखाए। ऐसे आप देखोगे कि हर एक कलर में बहुत सारे शेड्स होते हैं। जैसे अगर आप रेड ही देखोगे, हम लिपस्टिक ही लेने जाते हैं तो उसमें डार्क रेड भी आता है, चेरी रेड भी आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करेगा। मैं पर्टिकुलर कोई भी ऐसा कलर नहीं बोलूँगी कि आप नहीं पहन सकते हो, बट वाइजली आपको कलर को चूज करना है। एक कलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मैं आपको उसका फंडा समझाती हूँ। रेड में व्हाइट को अगर मिक्स करेंगे तो उससे जो कलर निकल के आता है उसको बोलते हैं टिंट। एंड उसी व्हाइट कलर में अगर हम ग्रे को ऐड करेंगे तो उसमें से निकलता है टोन। एंड उसी रेड में अगर हम ब्लैक को ऐड करते हैं तो उसमें से जो कलर निकल के आता है दैट इज शेड। इसी तरह से आपको जो 3 मैंने कैटेगरी बताया उसमें से आपको शेड को पिक करना है, किसी भी कलर का जो शेड होता है। सपोज यहाँ पे जो ग्रीन है तो आपको व्हाइट की तरफ नहीं जाना है, आपको शेड्स की तरफ जाना, मतलब आपको टिंट की तरफ नहीं जाना है, आपको शेड्स की तरफ जाना है। तो यही फंडा अप्लाई करना है आपने, तो ऑफ व्हाइट बेज कलर को चूज करना है। बहुतों को ऐसा लगता है कि ब्लैक भी पहनने से वो डार्क लगते हैं, तो ब्लैक में भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, तो आपको जेट ब्लैक को नहीं चूज करना है, तो बिल्कुल काला रहता है। आप चारकोल ब्लैक या फिर ग्रे ब्लैक जो होता है, जो थोड़े से लाइट शेड होते हैं ब्लैक के, आप वैसे ब्लैक को चूज कर सकते हो। जिनके डस्की स्किन टोन रहती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी रहती है क्या उनके ऊपर सूट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बिल्कुल पहन सकते हो, बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि उस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत सटल होनी चाहिए एंड पेस्टल एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। गोल्डन के भी डिफरेंट शेड्स आते हैं, तो आपको बहुत ही चटकीला भड़कीला गोल्डन या सिल्वर को नहीं चूज करना है, उसका जो मैट वेरिएशन है आपने ऐसे एम्ब्रॉयडरी के चूज करना है। तो इस तरह से आप पेस्टल एम्ब्रॉयडरी का कोई भी आउटफिट अपने लिए चूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंट्रिगेट एंड पेस्टल एम्ब्रॉयडरीज रहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। नियॉन शेड के फैब्रिक होते हैं या जितने भी नियॉन आउटफिट्स होते हैं उसको थोड़ा आप इग्नोर करें। आपको अगर नियॉन पहनने का बहुत मन है, आप चाहते हो कि आप नियॉन को स्टाइल करो, तो आप नियॉन के पेस्टल शेड्स को चूज करो, मतलब बहुत ज्यादा आपने चटकीले नियॉन को नहीं चूज करना है। आपने जैसे मेरा ये कुर्ता है तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट नियॉन है, तो इस तरह से आपको ब्राइट नियॉन को नहीं चूज करना है, आपने पेस्टल नियॉन को चूज करना है। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट 3 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए इतने में आप समझ गए हो कि कलर आपको जो भी चूज करना है आपको शेड्स चूज करना है एंड दूसरा कि बहुत ही ब्राइट कलर आपने नहीं चूज करना। स्किन टोन या फिर डार्क स्किन टोन के वुमेन के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा जज के आता है वो है चेक्ड पेल्ट शर्ट्स या फिर ट्राउजर, साड़ीज, ब्लाउजेस, जो भी आप पहनते हो, जो भी आपका जोनर है, आप वेस्टर्न पहनते हो, इंडियन पहनते हो,
चेक्स आप देखोगे कि मुझे स्पेशली ऐसा लगता है, या फिर आप गूगल भी सर्च करोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि फेयर स्किन टोन से कहीं ज़्यादा डस्की स्किन टोन के ऊपर या फिर डार्क स्किन टोन के वुमेन के ऊपर ये अच्छा लगता है। बट इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि चेक्स भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, सिंगल चेक्स और डबल लेयर चेक्स, ट्रिपल लेयर चेक्स या फिर डेंस्ड चेक। तो आपको आप किसी भी तरह की चेक को चूज कर सकते हो। सिर्फ आपको जो सिंगल लेयर वाली चेक्स होती है जिसमें बड़े बड़े बॉक्सेस रहती है या फिर सिंगल लाइंस रहती है, उसको आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा आप किसी भी तरह के चेक्स को आप चूज कर सकते हो। लोगों के पास होना चाहिए दैट इज डेनिम जैकेट। यस, डेनिम जैकेट एक इतना वर्सेटाइल पीस है हर एक, नॉट ओनली फॉर डस्की स्किन टोन बट हर एक स्किन टोन के लिए, बट स्पेशली डस्की या डार्क स्किन टोन के ऊपर एक डेनिम जैकेट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल पीस है। दूसरा, डेनिम डस्की स्किन टोन के गर्ल्स को बहुत बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट रीजन मैं ये दूंगी कि डेनिम का जैकेट एक ऐसा जैकेट है जिसको आप साड़ीज के साथ में, सूट के साथ में इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो। मतलब ये इतना एक वर्सेटाइल आउटफिट है जो आप अगर अपने वार्डरोब में इंक्लूड करते हो आप टन्स ऑफ आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको यही दूंगी कि आप अपने लिए जो भी फैब्रिक चूज कर रहे हो, आपको क्लासी रॉयल प्रीमियम फैब्रिक को चूज करना है, जैसे सिल्क हो गया, लिलेन हो गया, कॉटन हो गया। इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। जैसे ये गर्ल को आप देखो, जब मैंने इंस्टा पे इनको देखा ना, सच में मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने 2-3 बार ये रील देखी जस्ट बिकॉज जिनको ये लगता है ना कि जो डार्क स्किन टोन है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है, हेयर इज द एग्जाम्पल, मतलब इतना खूबसूरत ये लग रही थी। तो इस तरह से आपको अपने लिए प्रीमियम फैब्रिक को चूज करना है। आप चीप फैब्रिक जैसे पॉलिएस्टर हो गया या फिर लाइक्रा हो गया, इस तरह के फैब्रिक को आपको फैब्रिक नहीं चूज करते हो आपने लिए एंड आपके ऊपर वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि फैब्रिक अच्छा नहीं लग रहा, सीधे सीधे आपको ये बोल देंगे कि अरे इसका रंग तो काला है ना या इसका रंग तो सांवला है ना, इसीलिए इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल भी आपको यह करना नहीं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना है। आप जो भी चूज करते हो अपने लिए प्रीमियम फैब्रिक को आप चूज करो। बस किस तरह के कपड़े होने चाहिए, तो आप अपने वार्डरोब में, मैं ये जो कलर आपको मेंशन कर रही हूं ना, इस कलर के कपड़े आप अपने वार्डरोब में जरूर इंक्लूड करें, चाहे आप इंडियन पहनते हो, वेस्टर्न पहनते हो, क्योंकि हर किसी का एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। आप क्या प्रिफर करते हो या आपको खुद से आपको पता है, बट ये जो कलर मैं आपको मेंशन कर रही हूं, इस कलर का आप कुछ भी अपने लिए पिक कर सकते हो। ऑलिव ग्रीन ले सकते हो, ऑलिव ग्रीन डस्की स्किन टोन वालों के लिए ऑसम लगता है। मरून, बहुतों को लगता है कि मरून उनके ऊपर अच्छा नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, मरून आपके ऊपर, मतलब डस्की स्किन टोन वालों के लिए मरून सबसे बेटर लगता है। मुझे लगता है फेयर स्किन टोन वालों से भी कहीं ज्यादा अच्छा मरून उनके ऊपर खिल के आता है। मस्टर्ड येलो पहन सकते हो, आप पर्पल पहन सकते हो। पर्पल, पर्पल भी जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पर्पल पहनूंगी तो और ज्यादा डार्क लगूंगी। अभी तो मेरी स्किन बहुत बहुत क्लियर हो गई है, बट उस वक्त बहुत डार्क हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी, बहुत पढ़ती थी एंड बिल्कुल समय नहीं मिलता था। तो पर्पल आपके स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर शिल्पा को भी ये लगता था कि उसको उसके ऊपर पर्पल सूट नहीं करता, बट उसने जब ट्राई किया है ना, उसने बोला दीदी मेरे ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो पर्पल, ऑलिव ग्रीन, मस्टर्ड येलो, इस तरह के जो कलर है ना आपके ऊपर और बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस कलर के कुछ भी आउटफिट आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपकी स्टाइलिंग को लेके कि आप जब भी अपने स्टाइलिंग को हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो आप अपने जो भी आउटफिट आप स्टाइल कर रहे हो एक कलर को आप हाईलाइट करके रखो। एक साथ में बहुत सारे कलर को आपने मर्ज नहीं करना है। सपोज अगर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े भी अपने लिए खरीद रहे हो तो आपको मल्टी एम्ब्रॉयडरी वाले जो कपड़े रहते हैं उसको आपने नहीं चूज करना है, या बहुत सारे कलरफुल क्लोथिंग को आपने नहीं चूज करना। अगर उसमें कलरफुल प्रिंट है तो आप कोशिश करो कि छोटे छोटे जो मोटिव्स रहते हैं उसको आप चूज करो। बट आपको ऐसा जो कलर मैंने अभी आपको बताया कि मजेंडा, पर्पल, मस्टर्ड येलो, मरून, ऑफ वाइट, चारकोल ब्लैक, ये सब में आप कोई भी कलर आप पहन रहे हो या स्टाइल कर रहे हो तो बस एक ही कलर को हाईलाइट करो आप, या कोई भी ब्राइट कलर आप पहन रहे हो जैसे पिंक पहन रहे हो या फिर येलो का कोई ब्राइट शर्ट पहन रहे हो तो बॉटम वेयर को न्यूट्रल रखो, या फिर आप साड़ी अगर ब्राइट पहन रहे हो तो ब्लाउज को न्यूट्रल रखो। तो इस तरह से आपने अपने आउटफिट में बैलेंस करना है। सी, कहते हैं ना सांवला रंग हर किसी को नहीं मिलता है, कृष्ण अपना रंग सबको नहीं बांटते हैं, एंड ये सच में मैं बिलीव करती हूँ। तो जो भी कभी भी थोड़ा सा ऐसे उनका मॉरल डाउन हो जाता है ना, तो सिर्फ यही सोचिएगा कि आप बहुत लकी हो कि श्री कृष्ण ने आपको अपना कलर दिया है, क्योंकि मैं
मैं जिस रिलीजियस से आती हूँ तो वहां पे कान्हा को या फिर नारायण को बहुत पूजा जाता है। तो ये सोचो, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। देखो, लोग का काम है कहना, वो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेंगे, बट आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है कि आपका कलर दुनिया में बहुत ज्यादा मैं स्पेशल आपको है। ये दूंगी कि जब भी आप अपने लिए क्लोथिंग परचेज करते हो या फिर किस तरह के कपड़े आपके वार्डरोब पे होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखो कि कौन से ऐसे शेड्स है। देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट आप अपने स्टाइलिंग में करते करते सीखते हो कि जो आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके स्किन को वॉश ऑफ नहीं करता है, एंड कुछ ऐसे शेड्स रहते हैं जो आपको डल दिखाते हैं एंड आपके स्किन को वॉश अप करता है। तो इस तरह की क्लोथिंग को आपने अवॉइड के पास होनी चाहिए। आपके पास में ये तीन प्रीमियम साड़ी हमेशा होनी चाहिए जो आप कभी भी किसी भी जगह पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक है प्रीमियम क्वालिटी की, आपके पास में क्रेप सिल्क की जो साड़ियाँ रहती है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की रहती है कि जब भी आप पहनोगे आपके स्किन को बहुत बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, आपकी स्किन ब्राइटन अप लगती है एंड ऐसा लगता है कि आपने अपने स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है। तो आपके पास एक क्रेप सिल्क की साड़ी होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने पास में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो सॉफ्ट सिल्क रहती है, कलर आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस तरह का कलर आप अपने लिए पिक कर सकते हो। बस आप ट्राई करो कि सिल्वर जो उस पर वर्क है या वीविंग है वो थोड़ा सा ना हो, उसकी जगह पर आप किसी भी तरह की वीविंग को आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप बिंदास होकर उसको आप फ्लॉन्ट कर लोगे सो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। एंड तीसरी तरह की साड़ी, मैं एक ऐसा फैब्रिक है ना, जो मैंने पहले भी बोला कि ऐसा प्रीमियम फैब्रिक है, बट जो लिलन की साड़ियाँ रहती है ना, स्पेशली डस्की स्किन टोन के ऊपर बहुत बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, बहुत अच्छा लगता है उनके ऊपर। तो इस तीन तरह की साड़ियों में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। ज्वेलरी को चूज करते हो, आप कोशिश करो कि वो सिल्वर ज्वेलरी को आप थोड़ा सा अवॉइड करो, उसकी जगह पे आप सिल्वर की जगह पे थोड़ा सा ग्रे या फिर जो सिल्वर का थोड़ा डार्क टोन होता है उस तरह की ज्वेलरी को आप चूज कर सकते हो। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, डार्क स्किन टोन ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी रहती है ना, वो डस्की गर्ल्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, डस्की वुमेंस के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप टेम्पल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर गोल्डन ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस गोल्डन ज्वेलरी को चूज करिए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्डन ना हो, थोड़ा सटल। मैं वॉच को लेकर देना चाहूँगी, आप सोचोगे वॉच को लेकर टिप्स, यस मैंने कपड़ों को इंक्लूड किया था, फिर मुझे लगा कि ये दो पॉइंट्स भी मुझे इंक्लूड करने चाहिए कि आपको जो जो गोल्डन वॉच होते हैं या फिर जो सिल्वर वॉच होते हैं उसकी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आप खुद से इस चीज़ को फील कर पाओगे। अगर आप ये अपने पर एक बार चेंज करके देखना कि लेदर वॉच जो रहती है वो डस्की या फिर डार्क स्किन टोन के वुमेन के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्लासी लगती है, बहुत रॉयल लुक देती है। तो आप लेदर वॉच अपने स्टाइलिंग का एक पार्ट बना सकते हो। एंड लेदर वॉच एक ऐसी वॉच है ना जो साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, इंडियन वेस्टर्न हर एक आउटफिट के साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। तो ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स फॉर डस्की स्किन टोन वुमेन्स या गर्ल्स। आपको अगर ये टिप थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो एंड आप थोड़ी सी भी मोटिवेट फील हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड फील ब्यूटीफुल, अपने आप को ब्यूटीफुल फील करिए, कॉन्फिडेंट फील करिए। एंड देखो, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करके बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो फील द पावर ऑफ चेंज, तो अपने अंदर चेंज लाइए, अपने चेंज को महसूस करिए एंड लोग क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।